जो अभी तक गोवा नहीं आया भाई, आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो गोवा में। पहले बीच और दूसरा नाइट लाइफ और तीसरा बहुत कुछ। So, hey guys, good morning and welcome back to our vlog channel। कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। So, guys, सुबह के 9:30 हो चुके हैं। अब जल्दी से ब्रश व्रश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं और बीच पे ही आज अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा बाइक पे रेंट या स्कूटी जो भी लेना है, जो हमें सही पड़ा। आज हम जाने वाले हैं एरम्बोल बीच और वहाँ पे एक हिडन चीज है, वहाँ पे जाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन होने वाला आज का दिन, देखना। बाय बाय करते हैं अपने रूम को, जल्दी से जाके बाहर स्कूटी लेते हैं। यानी कुछ फैला हुआ ऐसा ही रहेगा भैया, दो तीन दिन। बहुत कूल सी जगह है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो ये जगह है एक्सो बहुत सही है। मतलब थोड़ा सा ग्रीनरी के बीच में दिखाया हुआ है, अलग सा टाइप का। और ये ज्यादा अच्छा ना, कुछ दो नजारे दिख जाते हैं, खुश हो जाता है। दो तीन लड़कियां दिख जाए बस कहीं, बस ये खुश। अरे यार, घर वाले देखते हैं तो क्या, अब शादी की उम्र हो गई है तेरी, कब तक छुपेगा यार। छुट्टी आ चुकी हमारी, 40 ओपन जाएंगे, पर तब भी तुम लोग 40 के 80 भी जाओ, आराम से जाओ। थोड़ा आवाज आएगा, चलेगा ना? चला के देखो, ये कोई दिक्कत तो नहीं देगा ना? अटकनी नीचे बस। अगर दोस्त इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो जिम्मेवारी आपकी है। हम ना आगे ना पाछा उड़ा छोड़ देंगे सीधी। छोड़ो मत, मेरे को कॉल करो। कॉल करके छोड़ देंगे। गाइस, हमारी येलो स्कूटी तैयार है एकदम बढ़िया और हम भी येलो स्कूटी के साथ तैयार है। एंड गाइस, हां, एक और चीज, गूगल मैप में अपना ऑफलाइन मैप डाउनलोड कराना गोवा का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे नेटवर्क के इशू हो सकते हैं और कल बताया था कैब वैब मिलती नहीं है, तो उसके लिए सिक्योर रहना। स्कूटी बुक कर लेना, हमें पड़ी है 350 रुपए की और ये 300 की मिल सकती है आपको, हमें 350 की मिली है अभी, ठीक है, चलता है। और बाइक लेने का अगर सोच रहे हो तो बाइक हमें 600 रुपए तक की मिल रही थी बुलेट, बट अभी नहीं लेनी। एंड स्कूटी से आप यहाँ से साउथ गोवा नहीं जा सकते, उसके लिए आपको बाइक चाहिए होगी, तो अगर हम गए तो बाइक ले लेंगे। लेट्स गो, अब एरम्बोल चलते हैं, वहाँ पे आपको कुछ नई चीजें दिखानी है। ब्रेकफास्ट भी करना, चलो। ओ, सेल्फी क्वीन है, आजा चलिए ना, कर दे बंद। आगे की क्लिप्स आपको स्कूटी चलाते हुए मिलेंगे। बीच पे आते ही एक ब्रेसलेट मैम ने जबरदस्ती दिलवा दिया कि लो इसे, ये अपना एरम्बोल बीच का रास्ता। ये जो ब्रेसलेट है ना, जो हाथ में है, एकदम सेम जो लिया मैंने भाई। क्या अब क्या तू लेट बोला है? क्या ये ब्रेसलेट का? पहले बोल चुका हूँ, क्या फक ऑफ, साला कॉपी करता है यार मुझे। समुद्र देखते हैं ना, एनर्जी से और चार्ज हो जाता है। आप नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, नहीं 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 देखना। यहाँ पे आपका बेफालतू की बहुत शॉपिंग करवा सकते हैं लोग, थोड़ा अलर्ट रहना। एंड अभी दिखाता हूँ आपको मैं बीच, एरम्बोल बीच। ये वाला इस शेक पे नहीं बैठे थे हम, उस शेक पे बैठे थे आगे वाले पे। ये बीच पे पहले तो लोग कम आते हैं और दूसरी चीज, बढ़िया बीच है, सुंदर बीच है। इसके सिवा लोगों को ब्राउनी के बारे में पता होगा, तो वो इसी बीच पे मिलती है मुझे। मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं कुछ बिगाड़ नहीं रहा किसी को। इसके सिवा अभी हम यहाँ से जाएंगे एक, यहीं पे पीछे ना स्वीट वाटर लेक है, वो मैंने देखा था, तो मैं वहाँ भी जाऊंगा। वो बहुत सुंदर लेक है, वो पीछे जाके है कहीं, तो वो भी देख के आएंगे। उससे पहले कहीं बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और समुद्र के नजारे लेते हैं। ऐसा मन कर रहा भाग के चला जाऊं पानी के अंदर। अपने आज के ब्रेकफास्ट में कोकोनट वाटर है, बस सुबह का ब्रेकफास्ट कोकोनट वाटर से करेंगे, इसके बाद चलेंगे अपना स्वीट लेक। देखो यार, पानी वाला है ना? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, पिलाओ यार। थैंक यू सर, मजा आ गया। तो हमने भाई से पूछा कि यहाँ पे अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो यहाँ पे लोग कम है, वैसे लेक पे शाम को लोग आते हैं, पर हम अभी जाएंगे। अभी और भी लोग हैं जो लेक पे जा रहे हैं, एंड लेक पे भी क्राउड कम होगा तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा मैं लेक। अरे क्या हाल है, लोग बहुत फ्रेंडली यहाँ पे, तो आपको मजा आएगा। आप बीच के पास आके बस बैठे रहो, मजेदार व्यू, सुंदर लहरें देखो, सुकून मिलता है यार। जो अभी तक गोवा नहीं आया भाई, आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो गोवा में। पहले बीच और दूसरा नाइट लाइफ और तीसरा बहुत कुछ, तो वो मिस मत करो, आओ, आने तो मजा आएगा। नो मनी नो पावर, मनी गिव्स पावर, समझे? थैंक यू भाई। भाई कुछ और ऐसा कुछ छुपा हुआ हिडन प्लेस हो यहाँ पे आसपास? तो उधर लेके है, लेके है ना ऊपर, वो मडबात। थैंक यू। इससे ऊपर एक मडबात भी है जो लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता दूं, जो हमारी लेक है उसके पास एक मडबात भी है। हमारी लेक कह रहा हूँ, स्वीट वाटर लेक है। लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे। यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, आप वॉक करते हो, पहुंच सकते हो आराम से, मजे से। और आपकी कंपनी थोड़ी बढ़िया है तो और मजे से। ये समुद्र पार करना है चिकारे, हमारे इस जगह समुद्र ये है गाइस। एरम्बोल बीच पे यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि फॉरेनर्स कहाँ आते हैं, तो सारे बीच पे मिल जाते हैं। इस बीच पे ज्यादा चांसेस होते हैं, लाइक अदर बीचेस वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं, वहाँ पे कोई प्रेफर नहीं करता, हम भी प्रेफर नहीं करते, ये क्या प्रेफर करेंगे। बारिश आ गई ब्रो, कैमरा अंदर रखना पड़ेगा।
गाइस बारिश आ गई, कैमरा छुपाना पड़ेगा हमें, सोनी वाला है। तो भाई आगे का शूट अपना गोप्रो से, तो बारिश आ चुकी है। इसके बाद आता है ये वाला जोन, ये पूरा पथरीला है तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। इस साइड नो सेल्फी जोन है, मत जाना, पर सुंदर बहुत लग रहे हैं पत्थर देखने में। इसके बाद यहाँ से निकलते हुए चलते चलो। जो ऐसा पाथ दिख रहा है इस पे स्ट्रेट चलते रहे ना, यही रास्ता है स्वीट वाटर लेक का। साइड एरम्बोल के साइड से निकलते 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 सीधा चलते रहो, और जो बीच में स्टोर्स आएंगे इफ यू वांट टू बाय समथिंग आप खरीद सकते हो, एंड चलते रहो, बस लगे रहो। यहाँ से हाँ यहाँ से चल चल वीरे, चल चल ऊपर से, आई थिंक ऊपर से यहाँ से भी आएगा रास्ता। चलो भाई बीच में थोड़ा जंगल सा आएगा, देख लेना, पर चलते रहना भाई। तो पीछे बीच आ गया, हमें ऊपर जाना है। स्वीट वाटर लेक यू नो फ्रेंड, थैंक यू। आसान नहीं है भाई, कुआं धक्का दे दूं मैं, कुआं देखे पानी काटेगा। पूरा जंगल वाला रास्ता है, आई थिंक स्वीट वाटर लेक के ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, वो बीच में है। हाँ जहाँ तक है पक्की बात है। चल 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 चल, रुक के ना शायद से नीचे जाना था, नीचे से। ओ भाई बियर की बोतल तोड़ रखी है सारी, कांच का जुगाड़ कर रखा है हर जगह। पता नहीं हम ही ऐसी जगह क्यों फंसते हैं। यहाँ से यार सही पैर ली मेरे भाई, उस तो पहला जूते उड़े जी पी लेंगे, टूट लेंगे मेरे से। Let's go. तो गाइस ये लेक है सामने, यहाँ पे जाना था हमें, चलते हैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली ये लेक है कैसी और क्या है यहाँ पे। स्वीट वाटर लेक यही है, अच्छा। सो गाइस ये है स्वीट वाटर लेक, इतनी दूर से यहाँ पे आए थे हम, और इसका एंट्रेंस आई थिंक वहाँ से, अबे यहाँ से जाना पड़ेगा ना, बैग भी रख दें, सामान भी रख दें, आगे से एंट्रेंस है इसका। सो गाइस ये है स्वीट वाटर लेक, जो अपना एरम्बोल में जो है बीच, उसके बीच ही साइड है। हम रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं इसमें, फर्स्ट हमारा बात होगा यहाँ पे, इसके बाद जाएंगे बीच पे, और इसके बाद हम जाएंगे आज एक बेहतरीन वाटरफॉल, अगर हम वहाँ पहुँच पाए तो। इसमें अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, आपको अपने कपड़े वस्त्र उतार के दूसरे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, जो वस्त्र आप बीच तक पहन के जाओगे फिर। लेट्स गो, चलते हैं। ओहो ठंडा पानी, बस अब इस गोप्रो का डर है, वाटर प्रूफ नहीं रहा बेचारा। अमित जी अपनी बॉडी शॉक करते हुए, कितना सुंदर व्यू है यार। सो आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत सही है, और यहाँ पे लोग भी ज़्यादा नहीं आते तो और भी मज़ा आएगा। डुबकी लगा ली स्वीट वाटर लेक में, तो ये लेक जो है मजा आ गया, रिफ्रेशिंग सा हो गया, एंड फर्स्ट बात था अपना यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं पहले एरम्बोल बीच के, वहाँ बैठते हैं थोड़ा खाते हैं, उसके बाद एक वाटरफॉल है जो मैंने सर्च करा था, वो यहाँ से थोड़ा दूर है, आई थिंक एक घंटा बीस मिनट दूर है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, पहले आराम से बैठ के चिल करेंगे फिर वहाँ पे निकलेंगे। और हमारे यार दोस्त भी आ रहे हैं शाम तक, उनसे भी मिलेंगे, जहाँ तक है रात को मिलेंगे या शाम को मिलेंगे, वो 3-4 बजे यहाँ पे लैंड होंगे, तो हम कोशिश करेंगे रात को ही मिलें, तो बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज का, और यहाँ पे मस्ट आना, ये बढ़िया जगह है, एक्सक्लूडेड सा है, थोड़ा सा हिडन है, तो और भी बढ़िया लगेगा आपको, गोवा में कुछ अलग देखने को मिलेगा। और इसके यहाँ पे कैफे भी है, ऐसा नहीं यहाँ पे खाने पीने का नहीं है, अगर यहाँ पे आप आते हो तो बाहर कैफे, इस टाइप इसके ऊपर भी कैफे है, इस टाइप की कुछ जगह है, बेहतरीन सुंदर जगह है, बहुत अच्छी लगती है। बाय बाय करते हैं इसको, और चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये एरिया बहुत साफ सुथरा है यार, बहुत सुंदर है। मित्ते चाल भाई, समुद्री लहरें देखो आप, बढ़िया, हमें यहीं चले पानी में यार, यहीं चल रहे हैं, यहाँ वेव्स बढ़िया लग रही है। ब्रेकफास्ट में भाई कोकोनट वाटर था बस, तो अभी एक एक मसाला डोसा खाएंगे, और अगर मसाला डोसा यहाँ से अच्छा हुआ तो पैनकेक खाते हैं, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बढ़िया जगह है, सुंदर, पीसफुल। अभी बैठे हैं एक शैक नहीं है, यू कैन से एक रेस्टोरेंट टाइप है, जो अपना स्वीट वाटर लेक से पहले पड़ता है। भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने का लाओ यार। भैया मसाला डोसा कितना टाइम लगेगा?
जिंदा है भाई। बहुत उम्मीदों से यहाँ पे लिखा हुआ था, बहुत प्यारे नाम से डोसा हमने मंगाया और हमें इतने रिव्यू दिया है कि गंदा है। एक और मिली अभी, अबे तेरी इतनी पड़ती यार, देख तू कह रहा है गोवा में पुसी नहीं मिलती, दो दो मिली है यहाँ मुझे। वी गॉट टू, वन व्हाइट वन ब्राउन। तो गाइस इस बीच पे इतना ही, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पे हेरबेलम फॉल, यहाँ से 51 किलोमीटर है, तो अराउंड हमें 1.5 घंटा लगे, 3:30 बजे वहाँ पहुंच जाएंगे। वो बहुत सुंदर फॉल है यार, मैंने देखा था वो, मुझे वहाँ जाना था तो फर्स्ट डे क्यों ना वहीं जाए, जो मेजर है वहाँ पे घूम के आते हैं, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। यू गाइस विल लाइक इट। उठाओ अपनी स्कूटी और निकलो, अपनी येलो कलर की स्कूटी, मतलब तेरी बारी चलाने की। चलो साबु द ग्रेट, चलो। कैसे दिए केले? ये 60 रुपए दर्जन। 60 रुपए दर्जन दे दो, आधा दर्जन दे दो। ओहो, पिछवाड़ा सेट हो गया। पर अभी आधा रास्ता बचा हुआ है, आधा रास्ता और तय करना है। अच्छा लगा आपसे मिल के। चलो अंकल जी, बाय बाय। चलो भाई, भाई 3-3, 4-4 केले दबा लिए, खा लिए, अब चलो आगे, बहुत दूर जाना है अभी। भाई मैं इसको सही रास्ता बताऊं, एग्जैक्ट टाइम जो मैं इसे नहीं बताना चाह रहा था वो है अराउंड 40 मिनट, 24 किलोमीटर। भाई सही से चलाएगा तो आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। अरे एकदम सीधा भाई, 36 किलोमीटर। पुलिस वालों ने रोका है हमें। गाइस हमें नंबर प्लेट मिली है वाइट, ये कह रहे हैं कि नंबर प्लेट वाइट नहीं होनी चाहिए आपकी, किस्मत हमारी तगड़ी, हर जगह हम फंसते ही फंसते हैं कुछ ना कुछ। तो ये हमें स्कूटी मिली थी रेंट पे, हमें चल गया, हमने नंबर पे फोन करा तो बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा हेलमेट के लिए, ये हेलमेट हमारा ISI मार्क वाला नहीं है, तो हमें इन जनाब ने रोका, अब ये जनाब उनसे फोन पे बात करेंगे, अपना इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो अपन यहाँ पे खड़े हैं आराम से और यहाँ से निकलेंगे तब ये हमें परमिशन देंगे। हमारा सीन, हम बस, हमारे साथ दिक्कत क्या, हम लेट हो रहे हैं जहाँ पे जाना है, हमारा वाटरफॉल यार बहुत लेट हो जाएगा फिर काम, पर अब क्या कर सकते हैं। चलो सारी दिक्कतों से लड़ भिड़ के हम अपने वाटरफॉल पे पहुँचने वाले हैं 400 मीटर में। पुलिस वालों का कहना सही था, पुलिस वालों की बात सही थी और इसमें हमारी गलती भी नहीं थी, स्कूटी ऑनर और पुलिस वालों की बात कराई, देन कुछ फाइन पे करा स्कूटी वाले ने, कहा हमें कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, हमने कहा ठीक है भाई हम भर देते हैं, पर हमारी गलती नहीं है तो हम भरेंगे नहीं, आप दोगे, उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। यहाँ से अब जाके वाटरफॉल आएगा, चल। और मौसम बहुत ही तगड़ा हो रखा है अभी, मंदिर के पास ही है भाई। वाटरफॉल कहाँ पे? स्कूटी है ना जी। कितना सुंदर है यार, अद्भुत, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल, मतलब आना वर्थ इट है, इतना दूर आना, इतना सब खेल के आना वर्थ इट है। अभी यहाँ पे नहाने को मिल जाए ना नीचे, मज़ा आ जाए। नहाने का क्या जुगाड़ है? का जुगाड़ है जी, देखो जी अगर आपको लगता है मम्मी जी तो अपने आप नहा लोगे, कुछ नहीं पूछना। सर नीचे क्या क्या है? ओहो, बुछारे लग रही है ना, पानी की मज़ा आ रहा है। तो गाइस हमारे सपने टूट गए, यहाँ पे भाव तेज होने की वजह से हम पानी में नहीं जा सकते, तो हमने सोचा था वाटरफॉल पे नहाएंगे, पर कोई नहीं, एक और वाटरफॉल है जहाँ हम नहा सकते हैं, वो मैं ढूंढ के निकालूंगा। गोवा में ये एक और वाटरफॉल है जो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में दिखेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको जो गोवा में लोगों ने नहीं देखी इस बार, तो ये बस शुरुआत है, देखते जाना। सारी दिक्कतें झेल लेगा तुम्हारा भाई और ये वाला भाई, साबुर में सारी दिक्कतें झेल लेंगे, शुरुआत है बस, अभी तो देखते हैं, अभी रात को ही मचाएंगे, अभी मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं, हमने जो था वो देख लिया, हाथ जोड़ हैं, इतनी दूर आए हैं, हाथ जोड़ के चलेंगे भगवान जी के आगे, आगे मंदिर ही यही है ना। तो गाइज आज का हमारा सफर जितना हमें एक्सप्लोर करना था कर चुके हैं, अब हमें जाना है होटल, यहाँ से 1.5 घंटा दूर है, तो रात तक होटल पहुंचेंगे। अभी कितना टाइम हुआ है? 5:18 हुए, अराउंड 6:37 तक पहुंचेंगे होटल। होटल में पहुंचेंगे, वापस फ्रेश होंगे, फ्रेश होके निकलेंगे, दोस्त यार मिलेंगे सब, तो देखते हैं रात का कैसे होगा। अच्छी और क्या करते हैं प्लान भाई? चाल भाई। ये सफर है 35 किलोमीटर, 1 hour 9 minutes। यहाँ से पास है ना अपना होटल? हाँ, चिकारा ऑन राइडिंग। यो कंडक्टर सीट प्रधान। चलो भाई यही दे दे। मैं इन लोगों से ऐसे उसे मिलना नहीं चाहता था, पर मुझे मिलना पड़ रहा है। बेहतरीन गंदे लग रहे हैं, बेहतरीन गंदे, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जाते हैं। ओए ये कौन है? अच्छा सॉरी, अरे शिट यार, यहाँ पे भी मत मिलो
अरे मैं तेरे से मिलने ही नहीं आया, मैं मिलने ही नहीं आया तुझसे। कौन है तू? बागा में टकरा गई यार। छी क्या हाल है? वो झुग्गन का इन्होंने क्या बाल करवा दिए उसके? इतनी गंदी लग रही है वो। झूठ बोल रही है तू, सच बता। So guys, इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। एंड अभी क्या हुआ, अभी हम सब मिले और हम मिलके मतलब मेरा फोन ऑफ हो गया था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं करा मैंने। मेरे कैमरे सारे भाई नुकसान हो गया आज मेरा भारी। इस स्कूटी में तो बारिश आई ना, आप दिखाता हूँ मैं आपको। गोबरू में पानी चला गया पता नहीं कैसे, इसमें बेचारे में अभी तक पानी घुसा हुआ है अंदर। के सिवा सब गीला हो गया था, बैग वाटर प्रूफ नहीं था मेरा, तो सब गीला हो गया, तो मैं सब ऐसे फैला के गया था। ड्रोन भी कैमरा भी सब कुछ मैं ऐसे रख के गया था, ये बस ठीक हो जाए।